वर्मा जी ये हो रहा है, तू मेरे से ज्यादा खराब है, मैं तेरे से ज्यादा खराब हूं। तेरे पास ज्यादा रेपिस्ट है कि मेरे पास ज्यादा रेपिस्ट है? तेरे पास ज्यादा हिस्ट्री शीटर है कि मेरे पास ज्यादा हिस्ट्री शीटर है? लेकिन ये मुझे बताइए, चुप है वाला जरा ग्राफिक्स लाइए। अजय वर्मा जी, प्रियंका गांधी ने तो कहा था लड़की हूं लड़ सकती हूं, कहां है? लड़कियां तो लड़ रही हैं, प्रियंका वाड्रा कहां है? फोन में कोई मैसेज नहीं आ रहा है अभी अजय जी। मैं आपको कुछ दिखाऊं? नहीं, मुझे बाद में दिखाइएगा, मुझे बताइए, इसकी जनता को बताइए। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं, सीधा जवाब, प्रियंका जी कहां है? ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। व्हाई इज प्रियंका गांधी रायपुर में राखी बांधकर लौट रही दो बहनों से 10 लोगों ने मध्य प्रदेश में? कोई शर्मानी चाहिए भारत को? नहीं, 10 लोगों ने गैंग रेप करा, मुख्य आरोपी पूनम ठाकुर भाजपा नेता का बेटा पकड़ा गया। शर्मानी चाहिए? क्या जाएंगी ममता काले? क्या बोलेंगे? क्यों नहीं जाएंगे, जाना चाहिए। क्या बोलेंगे योगी? शर्मानी चाहिए। कहा है मोमबत्ती गैंग? शर्मानी चाहिए। महिलाओं का कहा है? महिलाओं की रक्षक यहाँ बैठ के भाषण दे रही है, मोमबत्ती जला रही है, इस्तीफा मांग रही है। रायपुर के मुख्यमंत्री से मांगेंगी या इनकी सेलेब्रिटी एवरेज है? अब दूसरा सुन लीजिए, आ रहा हूं चारू जी। बंगाल में महिला को नग्न करके सड़क पर घसीटा बीजेपी का बूथ अध्यक्ष गिरफ्तार, सेकंड न्यूज। थर्ड न्यूज, प्रयागराज में 3 लोगों ने एक लेडी से सामूहिक बलात्कार करा और उसके उस पार्ट को क्षतिग्रस्त कर दिया और वहां पर बाबा योगी के लिए ने कोई ये करने जा रही है, अरेस्टिंग नहीं होती, मानवता शर्मसार हुई, कुचल दिया गया एक 2 साल की बेटी से। सुन लीजिए मैडम, अंकिता भंडारी के घर नहीं गई थी, आज तक न्याय नहीं मिला है, यहाँ बैठ के भाषण देने से काम नहीं चलेगा, सरकार को बचाने से काम नहीं चलेगा। बीच में बोलूंगी, जोधपुर में आप डिबेट कीजिए, पर्सनल मत होइए, ये बोल नहीं पाएंगे। उदयपुर से बलात्कार किया गया जी, आप बोल नहीं पाएंगे। मानवता शर्मसार नहीं हुई? आप प्रियंका गांधी वाड्रा पर और सोनिया जी पर बोलिए, आप मुरादाबाद में प्रियंका पर बोलिए, आप ममता काले को छोड़िए। अरे वो पता है ना, वो नहीं बोलेंगे। एक सेकंड, आपको डायरेक्टर, ये हिंदुस्तान ये रेप का देश बनता जा रहा है मोदी जी, ये क्या भी ऋषि सुनक की जिम्मेदारी है, बाइडेन की जिम्मेदारी है या पुतिन की जिम्मेदारी है? ये नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं, ये 15 से ज्यादा की स्टेट कंप्लीट। रिलैक्स रिलैक्स, चारू जी आ रहा हूं, ममता जी आ रहा हूं, देश की चारू जी आ रहा हूं, ममता जी आ रहा हूं, केवल चारू जी आ रहा हूं, ओनली चारू प्रज्ञा, ममता काले एंड अजय वर्मा। बंगाल की बेटी, रिलैक्स 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 रिलैक्स, आपको लग रहा है, आपको लग रहा है, एक सेकंड, आपने बोल लिया, अरे आपने बोल लिया, अरे आपने, अरे आपने बोल दिया ना, इन्होंने आपने बोल लिया ना, ठीक है। मुख्यमंत्री से नहीं, अब जरा मुझे बात बताइए, देश के मुख्यमंत्री और सुन लीजिए, ममता बनर्जी से मांगूंगी इस्तीफा, बोलो क्या करोगे आप? ममता बनर्जी ने जो किया है वो शर्मनाक है। ये ममता काले जैसी पार्टी वाला को सुना आपने? यानी जैसी का क्या मतलब है आपका? यानी जैसी का क्या मतलब है आपका? शब्द पे जरा कंट्रोल रखिए, जैसी का क्या मतलब है आपका? जैसी का क्या मतलब है आपका? डोंट, अजय जी मैं रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन शर्म कीजिए, थोड़ा रिलैक्स कीजिए। आपने बोला, एक सेकंड, अब आपने बोल लिया, चारू जी मैं आ रहा हूं आपके पास, ममता जी मैं आ रहा हूं, आपने मेरे को इतने सारे जघन्य अपराध गिनवाए, रायपुर के गिनवाए, चलिए बंगाल को छोड़ देते हैं, ममता बनर्जी राहुल गांधी के क्लोज है, बीच में, बीच में, बीच में मत बोलिए, अब आप मत बोलिएगा, मैं आपका फेडर डाउन कर दूंगा, मैं आपका फेडर डाउन, अब आप चुप हो जाइए, अब आप चुप हो जाइए, अजय जी, अजय जी आपने बोल लिया जो बोलना था, चुप हो जाइए, अब आप क्यों नहीं गई, मत देखिए, क्यों नहीं गई प्रियंका जी, लोकतंत्र, क्यों नहीं गई प्रियंका जी रायपुर? चलिए मैं आपसे रिलैक्स करिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ योगी जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, स्टेट गवर्नमेंट प्रयागराज अभी जाना चाहिए उन्हें, मध्य प्रदेश के रायपुर क्यों नहीं जा रहे हैं वो, क्यों नहीं गए मुख्यमंत्री? आखिर पूछता है भारत, ठीक है, क्यों नहीं जा रहे? ठीक है, आपने बोल लिया क्यों नहीं गए, बिल्कुल क्यों नहीं गए, तो दर्शकों ये कह रहे हैं उनसे क्यों नहीं गए, मैं बात कर रहा हूं, क्या ये तीनों बात कर रहे हैं अभी? डायरेक्टर नहीं हो रहा है तुमसे, 60-40 में विद द ग्राफिक्स, ये कांग्रेस बोल रही है ये क्यों नहीं गए, प्रियंका क्यों जाए, प्रधानमंत्री जाए, प्रियंका वाड्रा क्यों जाए, प्रधानमंत्री जाए? भाई प्रियंका वाड्रा नहीं जा सकती ना, गई थी यहां तो नहीं जा सकती ना, ममता बनर्जी के खिलाफ जय अमिताभ बच्चन नहीं बोल सकती, तो क्या करी, बोले योगी बाबा जाए, प्रधानमंत्री जाए, अमित शाह जाए, राजनाथ सिंह जाए, चारू जी, प्रियंका गांधी क्यों जाए? वो तो नारा था, सिर्फ बोल दिया लड़की हूं लड़ सकती हूं, इन्होंने मुझे छत्तीसगढ़ के बारे में जघन्य अपराध के बारे में बताया, वहां चली जाती प्रियंका जी, बंगाल में जाने में दिक्कत है, ममता बनर्जी से यू आर क्लोज, वहां नहीं जा पाते, कोई दिक्कत नहीं है, वहां चले जाते हैं, मेरी मेरी दिक्कत, माय प्रॉब्लम इज विद द कंप्लीट पॉलिटिकल क्लास। दर्शकों कहना है चारू प्रज्ञा ऑन एयर, जब बृजभूषण शरण सिंह के छोटे बेटे को बीजेपी ने टिकट दिया, मैंने तब भी ये बोला, जब बीजेपी ने जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन के ऊपर 14 में जनता जीत किया इलेक्शन, और उसके बाद अजीत पवार और अशोक चव्हाण को 24 के इलेक्शन से पहले पार्टी में लिया, मैंने पूछा
एंड दे हैड टू पे द प्राइस व्हाटएवर इट इज. बट भारत की बेटी के लिए, आपके और हमारे परिवार में माताओं और बहनों की सुरक्षा के लिए, आखिर जिम्मेदारी किसकी है, किसकी जिम्मेदारी है? मैं सिर्फ ये देख रहा हूं, कह रहा हूं मैं फुल पैनल ऑन एयर. मैं चारू प्रज्ञा से पूछूंगा, चारू प्रज्ञा बोलेंगी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है ऐश्वर्या, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, स्टेट गवर्नमेंट को एक्ट करना है, स्टेट गवर्नमेंट एक्ट करे. स्टेट गवर्नमेंट बोलेगी हम क्या करें, सेंट्रल गवर्नमेंट करे. पीएम जावे, प्रियंका गांधी क्यों जावे, पीएम जावे. दर्शकों इट्स एन आई ओपनर फॉर अस. ये लोग, मैंने कहा था आपसे चारू जी आ रहा हूं, आप ही बोलिएगा अभी, लेकिन ये सारे नेता एड़ी के बल आएंगे, घुटनों के बल, सॉरी कहावत यही है ना, घुटनों के बल आएंगे. जैसे हमने भारत ने, पूरे देश ने जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन पे कहा था ना कि यस करप्शन नहीं बर्दाश्त होगा, वैसे जब तक हम नहीं कहेंगे कि हमारी माँ बेटी बहन के खिलाफ, हमारी माँ, हमारी तेरी मेरी नहीं, हमारी माँ बेटी बहन के खिलाफ कोई भी हो, किसी से भी किसी का कनेक्शन हो, बर्दाश्त नहीं होगा इस तरीके का अपराध. ये राजनेता ऑल ऑफ देम जो भी एक दूसरे के ऊपर उंगली उठा रहे, दे विल बी फोर्स्ड टू एक्ट, दे विल बी फोर्स्ड टू एक्ट. फिर अजय वर्मा नहीं बोल पाएंगे कि योगी क्यों नहीं गए और ये क्यों नहीं गए, तब उधर वाले नहीं बोल पाएंगे सिर्फ वो देखें हमारा क्या है. दे ऑल विल कम टुगेदर. भारत की जनता एक साथ आ गई है चारू जी, आयरनी ये है कि राजनेता साथ नहीं है. चारू प्रज्ञा योर एंडिंग कॉमेंट्स प्लीज. थैंक यू ऐश्वर्या, आई एम इन अग्रीमेंट विद यू. हमारी जिम्मेदारी है, हम एक एक प्रदेश की एक एक सरकार को अलग कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते, हमारी सबकी कलेक्टिव जिम्मेदारी है और भारतीय जनता पार्टी की ज्यादा बनती है क्योंकि केंद्र में हमारी सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री हैं. इसीलिए कानून बदले गए थे, वो कानून जिनके बारे में बंगाल की मुख्यमंत्री को पता ही नहीं है, बदले हुए कानूनों का उनको पता ही नहीं है, फिर भी वो चिट्ठी लिख के भेज रही है. बार बार टीएमसी के प्रवक्ता कहते हैं आरोपी गिरफ्तार किया, आरोपी गिरफ्तार किया. सबको मालूम है गैंग रेप का मामला था, 150 ग्राम्स का सीमेन मिला है. गैंग रेप का मतलब ये होता है एक से ज्यादा लोग थे. एक से ज्यादा किन लोगों के आपने नाम बता दिए, आज 14 दिन पूरे हो गए. एक आदमी को दिखाने के लिए उसको झूठ झूठ खड़ा कर दिया है आपने, वो भी मैं मानती हूं कि गलत हो भी सकता है, कुछ और इसकी कहानी निकल कर आ सकती है. तो भाई गैंग रेप में तो एक से ज्यादा लोग होते हैं ना, और नाम बताइए. कांग्रेस को मैं एक बात कहना चाहूंगी, यहां बैठकर शोर मचाना बहुत आसान है, लेकिन आपकी अलका लांबा डेलीगेशन लेके बदलापुर जा सकती है, लेकिन कोलकाता नहीं जाएगी अलका लांबा डेलीगेशन लेके. या तो कहीं ना लेकर जाते या सब जगह लेकर जाते. okay. और आखिर में आप ही का नेता कपिल सिब्बल डिफेंड कर रहा है इस कांड को, इस बारे में आप सोचिएगा, अपनी मॉरल बारे में भी सोचिए. मुझे लगता है चारू जी भूल गए कि सीबीआई इंक्वायरी चल रही है, जिम्मेदारी अब सीबीआई की होती है कि कितनी जल्दी वहां पे जो कल्प्रित है, जो उसमें साजिश है, उसको पर्दाफाश करे. इसलिए उससे मत भागिए, सीबीआई अपनी जिम्मेदारी को समझे. आज हाईकोर्ट ने क्या कहा, सीबीआई को भी देना नहीं चाहिए. आ रहा हूं वापस लास्ट में, बोलिए आ रहा हूं चारू जी, बीच में नहीं आप प्लीज, आपने बोला कोई नहीं बोला. यहाँ पे आप देखो महाराष्ट्र के हाईकोर्ट ने क्या कहा, हाईकोर्ट ने कहा कि बदलापुर में 13 तारीख को इंसिडेंट हुआ, 16 तारीख को एफआईआर हुई, 22 तारीख को स्टेटमेंट लिया गया. सोचो जनता जब रोड पे आ गई तब आप बच्चियों के साथ न्याय करोगे, वहां आप नहीं बोलोगे. हाईकोर्ट की फटकार लग रही है, वहां चुप्पी साध गए आप, वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया. इसीलिए कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है. और आपने okay. कन्नौज की और कन्नौज की और आपने अच्छा जब बिहार में नहीं, एक बार सुन लीजिए, जब पश्चिम बंगाल में टीएमसी बीजेपी के लोग अन्याय करते हैं तो वहां तो ममता बनर्जी जिम्मेदार है क्योंकि वो सीएम है. तो यहां अगर कोई अन्याय करेगा तो जिम्मेदार यहां पे योगी जी नहीं होंगे क्या? बिल्कुल होंगे, तभी तो एक्शन लिया. अरे अखिलेश अनुराग भदौरिया, मैंने कहा एक्शन क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो कल्पनेट आपकी पार्टी का नेता है. अरे समझदार आदमी, अरे प्रोफेसर साहब, मोहित खान आपकी पार्टी का नेता है. मोहित मैं आपसे नहीं बहस कर सकता, मैं आपसे बहस नहीं कर सकता.